अज बठिंडा दे टीचर्स होम तो एक टीचरां दी जथेबंदी डीटीएफ वल्लों तकरीबन 20 फुट उच्चे रावण वर्गे पंजाब सरकार अते मनटेक सिंह आलूवालिया अते मनप्रीत सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पुतला फूकिया गया। इस संबंध विच जथेबंदी वल्लों इस पुतले नूं लैके बठिंडे दे फायर ब्रिगेड चौंक तो हुंदे होए मनप्रीत सिंह बादल दे दफ्तर अगे जाके कीता प्रदर्शन। की गलबात हुई है आओ सुनते हैं। खिलाफ अज असी मुलाजम जथेबंदियों वालों अध्यापक जथेबंदियों वालों मोहनटेक सिंह आलूवालिया मनप्रीत बादल अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार की असं हाथी बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस भुलेखे जाके हम पंजाब के लोगों का गुस्सा सिर्फ मोदी खिलाफ आ असी यह गल साबित नहीं हो देवे क्योंकि कैप्टन भी उही नीतियां उही पॉलिसियां जिहड़ियां पंजाब के लोगों के खिलाफ खेती खेतर के खिलाफ मुलाजमान के खिलाफ बेरोजगारों के खिलाफ उन्होंने खिलाफ जिहड़ियां उही नीतियां लेके अभी साड़ी रणनीति यह है कि जिन्ना चक मोहनटेक सिंह आलूवाल दी सिफारशां नूं पंजाब सरकार रद्दी टोकी च नहीं चलती असी लगातार मोहनटेक सिंह आलूवाल दी सिफारशां रद्द कराने लई अपना संघर्ष है जिहड़ा लगातार जारी है। किसानी बिल्लां नूं लैके भी तुसीं नारे ला रहे जी, किसानी बिल्लां नूं लैके उहदा विरोध कर रहे जी, उहदे बारे किसानी बिल भी यही है कि मोदी हुकूमत है जी जिथे खेती खेतर नूं खत्म करना रही आ उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की जवानी नौजवानी बेरोजगारों लई ते उत्थे मुलाजमां ते लोकां दे विरोध दे विच बिजली जी महंगी करके इतों के सरकारी थम्मा बंद करके लोगों के हले बोलन जा रही है। इस करके असी ये मोहनटेक सिंह आलूवालिया एक चिन्ह असल च यह वर्ल्ड बैंक या IMF से जो डबल टू टी नीतियां लागू कर रहे हैं असी मेन इन चिन्ह बना के रोस मुजहरा कर रहे हैं। इतने असं एक गल स्पष्ट कर देनी चाहते हैं कि कितने कैप्टन सरकार को यह भुलेखा होगा कि लोगों का झुका या पंजाब पंजाब के लोगों का झुका जो है खेती आर्डीनेंसा वाल है तो यह दूजे पास आर्डीनेंसा की आड़ कि ना कि आदू वाली रिपोर्ट लागू करने के उत्ते तहैया कर रहे हैं। पर असी मुलाजम जथेबंदियों वालों यह पुरजोर असी निखेधी करते हैं इस रिपोर्ट की, तो असी कैप्टन सरकार को चेतावनी दें कि इस तरह असी जिहड़े मुलाजम वालू कानून नीतियां अं लागू नहीं होने देवे। इस रिपोर्ट के 25-30% मुलाजमान की कटौती की गल करते हैं, डीए दिया किश्तां फ्रीज करन की गल करते हैं। इस तो अगे जिहड़ा छेवां पे कमीशन आ उसनूं सेंटर के फार्मूले के आधार पर लिया के दबण की आड़ ताक के असी इतों दिया समुचिया जथेबंदियां पंजाब दी जथेबंदियां वल्लों यह पुरजोर निखेधी करते हैं, तो असी कैप्टन सरकार को चेतावनी दें कि आने वाले समय के असी इस संघर्ष को होर तिखा करांगे ते पूरे पंजाब दे विच भारत दे विच लेके जावांगे। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।